अमेरिकी विश्वविद्यालयों में नस्ल और जातीयता के आधार पर दाखिले पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले ने पूरी दुनिया में आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अमेरिका में भी ये बहस तेज हो रही है। ट्रंप ने इसे जरूरी फैसला बताया है तो ओबामा और बाइडन इसके सख्त खिलाफ हैं। हम इस फैसले को देश के स्थायी नुकसान में नहीं बदलने दे सकते। हमें अफसरों का दरवाजा खुला रखना होगा। हमें ये याद रखना है कि विभिन्नता ही हमारी ताकत है और हमें आगे का रास्ता ढूंढना होगा। वॉशिंगटन में इंटरनेशनल कमीशन फॉर दलित राइट्स के चेयरमैन रह चुके दलित स्कॉलर अशोक भारती कहते हैं, ये सामाजिक न्याय के आंदोलन में एक बड़ा झटका है। दुनिया भर में इससे पिछड़े समुदायों को बराबरी पर लाने की जो एक वैध प्रक्रिया थी उसको चोट पहुंची है। भारत में भी आरक्षण का सवाल बेहद जरूरी है। भारत में भी एक तबका रहा है स्कॉलर्स का, पॉलिटिकल क्लास के लोग भी ऐसा सोचते हैं कि क्या हम असीमित तरीके से आरक्षण की व्यवस्था को बहाल रख सकते हैं। भारत में जिस तरह से बहस चलती रही है आरक्षण को लेकर, उस संदर्भ में US सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मुझे लगता है कि इसका पहली बात तो हमको ये समझना है कि भारत जो है एक सॉवरेन कंट्री है, सार्वभौमिक देश है, और अमेरिका में क्या हो रहा है, हम वी आर नॉट कॉपी कैट, हम अमेरिका की नकल करने वाले देश नहीं, हम सार्वभौमिक कंट्री हैं। हमारे यहाँ की अपनी न्यायपालिका के अपने मापदंड हैं और बहुत सारे भारत की न्यायपालिका के मापदंडों को दूसरी जगह भी स्वीकार किया जाता है। तो मुझे लगता है कि उस तरह से अगर हम देखें तो शायद इसका बहुत ज़्यादा असर हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एन सुकुमार ने हाल ही में देश के 10 चुने हुए विश्वविद्यालयों में 600 छात्रों पर शोध कर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज नाम की एक किताब लिखी है। सुकुमार कहते हैं, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताता है कि अमेरिका की कंजर्वेटिव ताकतें सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं। जब वहाँ पे इक्वालिटी लैब्स जितना काम कर रहा है, वहाँ पे भी कास्ट का जो बहुत मुद्दा चल रहा है इक्वालिटी लैब्स का द्वारा, आप देख लीजिए पूरा दुनिया पे बहस हुआ है और वहाँ पे कास्ट को भी लेके नया लेजिस्लेशन आ रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वहाँ पे कास्ट का बारे में डिबेट हो रहा है, इस तरीका से वहाँ पे जजमेंट आना, मतलब कहीं ना कहीं एक फोर्सेस जो है एंटी ब्लैक एंटी दलित जो फोर्सेस है ग्लोबली काम कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोफेसर सुकुमार मानते हैं कि भारत जैसे देश की शैक्षणिक संस्थाओं में अभी आरक्षण बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही भारतीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण को कारगर तरीके से लागू करने के लिए सख्त नियम और कानून बनाना भी जरूरी होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।